मेरा नाम है राहुल कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 7 to 12 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 2D डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7 to 12। और भी वीडियोज के लिए क्या कर सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, वहां आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आप कमेंट करके भी वीडियोज के लिंक मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे इस चैनल पे मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 to 12 को देखेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम 7 to 10 यही अप्लाई होगा, ठीक है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो डैट जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जैसे हम लोग पहले बना चुके हैं वैसे ही बनाएंगे। वीडियोज के लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस टर्म को जीरो करके यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। अगर जीरो आ गया पी एक्स का वैल्यू तो वो मेरा फैक्टर हो जाएगा, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं। देखिए मेरे पास जी एक्स यहाँ पे ये दिया गया है, तो जी एक्स फटाफट क्या करेंगे, जी एक्स सबसे पहले मेरे पास जी एक्स लिख लेते हैं। जी एक्स कितना दिया गया है, 2x-3 दिया गया है, और इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ मोटिव है मेरा एक्स निकालना, ठीक है। 2x को इधर ही रखिए और 3 को उधर कीजिएगा, तो -3 का +3 उधर चला जाएगा, और यहाँ से एक्स निकालना चाहिए तो 3/2 मेरा आ जाएगा, ठीक है। एक्स मेरा 3/2 आ गया है, और मेरे पास पी एक्स कितना दिया गया है, पी एक्स मेरे पास जो दिया गया है कितना दिया गया है, 2x^4 + x^3 - 8x^2 - x + 6 दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के बदले क्या करेंगे, 3/2 पुट कर देंगे। तो चलिए आइए पुट करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 का 2 ही पुट कर देंगे, x के बदले कितना पुट कर लें, 3/2 पुट कर लें, तो कोई दिक्कत क्या। तो यहाँ पे 3/2 पुट कर लिए, और इसका पावर कितना बोल रहा है, यहाँ पे देखिए 4 बोल रहा है, तो यहाँ पे पावर 4 दे दिए, प्लस का साइन है प्लस कर लीजिए। एक्स फिर से, एक्स कितना है मेरे पास, 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 कर लीजिए, और इसका पावर कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। माइनस साइन है माइनस दे दीजिए, ठीक है यहाँ पे, चलिए ठीक है, चलिए माइनस साइन है माइनस दे दीजिए। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक्स, एक्स कितना है, एक्स कितना है मेरे पास, 3/2 है क्या, तो 3/2 कर लेंगे, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर लीजिए। माइनस का साइन है माइनस दे दीजिए, फिर से एक्स के बदले 3/2 पुट कर लेंगे, और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे प्लस दे दीजिए, यहाँ पे 6 दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं जीरो आता है कि नहीं आता है। अगर जीरो आ गया इसका मतलब क्या, ये रिमाइंडर मेरा जीरो है, रिमाइंडर जीरो मतलब क्या कि वो मेरा फैक्टर है, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 का पावर 4, देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 कर लें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना कर लिए हम लोग, 16 कर लिए, प्लस का साइन है प्यार से प्लस दे दीजिए। अब यहाँ पे 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 27 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना कर लेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, यहाँ पे 8 कर लिए, ठीक है। माइनस साइन है माइनस दे दीजिए, यहाँ पे 8 है 8 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा क्या, तो यहाँ 9 कर लेंगे, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा क्या, यहाँ पे 4 कर लेंगे। माइनस का साइन दे दीजिए, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे कितना है, 3/2 है, 3/2 कर लीजिए, प्लस साइन प्लस दे दीजिए, सेम दे दीजिए। अब सॉल्व करके देखते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट लेंगे प्यार से, ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे। आपको एक चीज याद रखिए, अगर अगर कट रहा है तो उसको सबसे पहले काट के हटा दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये काटेंगे तो मैं ऊपर में 2 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, चलिए कुछ नहीं कटेगा। यहाँ पे कितना आ गया, 81/8 कर लें तो कोई दिक्कत क्या, 81/8 कर लें तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है, तो प्यार से प्लस दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 27/8 है तो 27/8 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज का साइन है, माइनस का है, तो माइनस दे दीजिए। 2×9 = 18 होता है क्या, तो यहाँ पे 18 कर लेंगे, ठीक है। माइनस साइन है माइनस कर लीजिए।
बाई टू है, प्यार से 3/2 लिख लीजिए, ठीक है, प्लस का साइन है प्लस कर लीजिए और यहाँ पे 6 कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं इसको और इसको, ये नीचे फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको और इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो बाकी टर्म है उसको ऐसे रख लीजिए, अपने इजी करने के लिए ऐसे करना है, ठीक है। प्लस साइन 27/8 और देखिए यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं -3/2, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए। अब हम लोग किसको किसको सॉल्व कर रहे हैं, -18 + 6, देखिए -18 + 6, ठीक है, -18 + 6 क्या आ जाएगा मेरा, -12 आ जाएगा क्या, -12 आ जाएगा क्या, ठीक है, बस वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, -12 कर रहे हैं, किसके बदले, -18 + 6 के बदले, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, चलिए अब सबका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 882 का एलसीएम 8 ही आएगा, आप निकाल के देख लीजिए, आपका ये होमवर्क रहा, ठीक है। 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, और इस 1 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 ही आएगा, ठीक है, 81 लिख लीजिए, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए। 8 के टेबल में 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में, और इस 1 को 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 ही आएगा, ठीक है, माइनस साइन है माइनस दे दीजिए। 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में, और इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 हो जाएगा क्या, तो 12 हो गया, माइनस का साइन है माइनस दे दीजिए। देखिए 1 के टेबल में, इस 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आएगा, 8 टाइम्स में आएगा, और 8 12 जा कितना होता है, 8 12 जा 96 होता है क्या, 96 होता है क्या, 96 होता है क्या, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट कर लिए। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर देखिए प्लस प्लस वाला को पहले ऐड कर लीजिए, 81 प्लस कितना आ जाएगा ये, 81 प्लस 7 कितना, 88, 88 प्लस 20 कितना आ जाएगा मेरा, 88 प्लस 20 100, 100 कितना आ जाएगा, 88 प्लस 20 कर लेंगे, 88 और यहाँ पे 108 आ जाएगा क्या, तो 108 माइनस साइन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों माइनस को एक साथ ऐड कर लेंगे, माइनस और ये 12 प्लस माइनस, देखिए जितना माइनस वाला साइन रहेगा उसको क्या कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन दे दीजिएगा, ठीक है। 12 प्लस 96 कितना हो जाएगा मेरा, 108 आ जाएगा क्या, और नीचे मेरा कितना आ गया, 8, और यहाँ पे 108 माइनस 108 0/8 मेरा 0 आ जाएगा, मतलब क्या कि रिमाइंडर px क्या था मेरा, रिमाइंडर था, और ये 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है, gx px का एक फैक्टर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा hence gx is a factor of px, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, 8 में भी सेम प्रोसेस से करना है, क्या करना है, मेरे पास सबसे पहले जो gx दिया गया है, gx कितना दिया गया है, gx मेरे पास जो दिया गया है 3x - 2 दिया गया है, और इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, और यहां से 0 के इक्वल करके क्या करेंगे, x फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ 3x और ये माइनस में 2 है, इधर जाके प्लस 2 हो जाएगा क्या, तो यहाँ से अगर x निकालना चाहें तो 2/3 कर लें तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना। अब क्या करेंगे, इस px में इस x के वैल्यू को पुट करेंगे, सबसे पहले हम लोग px लिख लेते हैं, px कितना दिया गया मेरे पास, 3x³ + sin x² - 20x + 12 दिया गया है। अब x के बदले हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 2/3 पुट कर रहे हैं, और जहां जहां x है वहां पे क्या करेंगे, 2/3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 3 है और x के बदले 2/3 पुट कर लें क्या, तो 2/3 पुट कर लीजिए, इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, प्लस साइन है प्लस कर लीजिए, x फिर से x कितना है मेरे पास, 2/3 है, तो 2/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन है माइनस दे दीजिए, 20 x के बदले फिर से 2/3 पुट कर लें क्या, 2/3 पुट कर लिए, प्लस साइन 12 है तो 12 कर लिए, ठीक है। अब एम क्या है कि देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम लोग कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, ठीक है। चलिए रिमाइंडर थ्योरम से ही हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 × 2 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे 8 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, ठीक है, और नीचे 3 का क्यूब 27 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना, प्लस साइन है प्लस दे दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 कर लें तो कोई दिक्कत क्या,
और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ प्यार से 9 लिख लीजिए, माइनस का साइन है माइनस दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए 20 इंटू टू 40 कर ले क्या, तो यहाँ पे 40 कर लिए, और नीचे कितना है 3 है, तो नीचे 3 कर लेंगे, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए, 12 है, तो यहाँ पे प्यार से 12 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको कट करना चाहे तो कट कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 8 बाई 9 आ जाएगा, और प्लस साइन 4 बाई 9 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है 40 बाई 3 आ जाएगा, और प्लस साइन 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 बाई मतलब ये नीचे 1 ही है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे, तो देखिएगा एलसीएम आप ले लीजिए 9931 का, तो एलसीएम 9 ही आएगा। अब देखिए 9 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, और इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए, यहाँ उसी स्टेप से क्या करेंगे 4 कर लेंगे, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। चलिए देखिए 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा क्या, और इस 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा क्या, ठीक है। 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है, और इस 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए। 1 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है, और इस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 आ जाएगा क्या। अब क्या करेंगे, जितना ऐड वाला है, जितना प्लस वाला साइन है, सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये कितना है मेरे पास 8, यहाँ पे ये भी प्लस में है, कुछ नहीं मतलब प्लस, 8 प्लस 4 12 प्लस 108 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा क्या, और यहाँ पे माइनस वाला एक साथ लिख लीजिए, माइनस 120 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 0 लिखिएगा, सिंस पी 2/3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या है 0 आ गया, हेंस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 में क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है, सबसे पहले क्या करेंगे जी एक्स को क्या करेंगे 0 कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग को एक्स फाइंड करना है। देखिए यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, ये माइनस रूट टू है, तो इधर करेंगे तो प्लस रूट टू आ जाएगा क्या, प्लस रूट टू आ जाएगा क्या, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे पी एक्स में पुट करेंगे, पी एक्स मेरे पास क्या गिवन है, पी एक्स जो गिवन है 7x² माइनस 4√2x माइनस 6 दिया गया है। अब x के बदले क्या पुट कर रहे हैं, रूट टू पुट कर रहे हैं, तो चलिए पुट करते हैं 7, और x के बदले रूट टू पुट कर लें क्या, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन है प्यार से माइनस दे दीजिए, 4√2 है तो यहाँ पे 4√2 कर लेंगे, और यहाँ पे क्या है मेरे पास रूट टू है, माइनस है माइनस कर लीजिए, और यहाँ पे 6 कर लीजिए, सॉल्व करके देखते हैं, 7 तो ऐसे ही लिख दीजिए। अब रूट टू का स्क्वायर देखिए, रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, रूट कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और रूट 4 क्या होता है 2 होता है, और एक और ट्रिक याद रखिएगा, रूट टू का स्क्वायर याद रखिएगा, रूट हमेशा स्क्वायर को लेके गायब हो जाता है, ये अब याद रख लीजिए, अब से रट लीजिए, ठीक है, कि रूट स्क्वायर को लेके गायब हो जाता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना कर ले 7 × 2 कर ले, तो कोई दिक्कत क्या, माइनस साइन है माइनस कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे 4√2 × √2 करते हैं, देखिए √2 × √2 कितना हो जाएगा, सबसे पहले 4 तो है, और √2 × √2 √4 क्या होता है 2 होता है, या फिर √2 का स्क्वायर √2 × √2 √2 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट स्क्वायर को लेके गायब हो जाता है, तो यहाँ से 2 कर लेंगे तो ये मेरा 8 हो जाएगा क्या, तो यहाँ से इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाने वाला है, माइनस है माइनस दे दीजिए, और यहाँ पे क्या है 6 है, 6 पुट कर लीजिए। देखिए 7 × 2 = 14 होता है क्या, और देखिए ठीक है, और ये −8 − 6 ठीक है। अब जितना प्लस वाला साइन एक साथ कर लीजिए, प्लस में बस आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस 14। अब देखिए माइनस वाला को क्या कीजिएगा, जितना माइनस वाला रहेगा सबको एक साथ ऐड करके माइनस साइन के साथ लिख दीजिएगा, 8 + 6 = 14 और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 और ये कितना आ गया 0 आ गया क्या, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए 10 में भी सेम प्रोसेस से करेंगे, मेरे पास जी एक्स कितना दिया गया है, जी एक्स दिया गया है x + √2 दिया गया है, और इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा −√2 आ जाएगा क्या, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, पी एक्स के जगह पुट कर देंगे, पी एक्स कितना दिया गया 2√2x² +
5x प्लस रूट टू, ठीक है, x के बदले कितना पुट कर रहे हैं, माइनस टू पुट कर रहे हैं क्या, तो यहाँ पे x के बदले माइनस रूट टू कर देंगे, ठीक है, टू रूट टू, और यहाँ पे क्या करेंगे, x के बदले माइनस रूट टू, माइनस रूट टू, और इसका स्क्वायर, प्लस साइन है प्लस कर लीजिए, 5 इंटू फिर से माइनस ऐसा, ठीक है, और प्लस साइन रूट टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले क्या करेंगे, टू रूट टू ऐसे ही लिख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि अगर माइनस है और इसका पावर इवेन है, पावर इवेन है तो क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है पावर ऑड हो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, ऐसे भी होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, और रूट टू का स्क्वायर रूट स्क्वायर को लेके गायब हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा क्या, तो ये 5√2 कर लें तो कोई दिक्कत क्या, प्लस साइन रूट टू, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ पे टू इंटू टू फोर, और ये फोर, और यहाँ पे रूट टू बचा हुआ है तो रूट टू, ठीक है, टू इंटू टू फोर रूट टू, ठीक है, माइनस साइन 5√2 प्लस रूट टू। अब क्या करेंगे, जितना प्लस वाला साइन है एक साथ ऐड कर लेंगे। देखिए मान लेते हैं रूट टू मेरा क्या है, रूट टू मेरा क्या है, गाय है, ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कितनों को इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होता है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। देखिए रूट टू मेरा क्या है, ये मेरा काव, काव है, गाय है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा काव है, तो यहाँ पे भी मेरा ये काव है, देखिए फोर काव चार गाय प्लस एक गाय, चार गाय चार गाय, फोर काव प्लस वन काव, फाइव काव हो जाएगा क्या, पांच गाय हो जाएगा क्या, पांच, ठीक है, फोर प्लस वन फाइव, और रूट टू को हम लोग क्या बोले हैं, गाय बोले हैं, तो अगर गाय के जगह ऐसे कर ले तो कोई दिक्कत क्या, और माइनस यहाँ पे क्या है, 5√2 है, 5√2 में से 5√2 पांच गाय में से पांच गाय को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना गाय मिलेगा, जीरो गाय मिलेगा, मतलब क्या, जीरो मिल गया, ठीक है, जीरो, और देखिए रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया, इसका मतलब क्या कि जी एक्स मेरा क्या लिखिएगा, सिंस रिमाइंडर पी माइनस टू इक्वल टू जीरो, हेंस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, 11 में भी सेम टाइप से करेंगे, इसमें मेरे पास क्या बोला गया है, पी माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, मतलब पी माइनस वन के बारे में बोलना है, दिखाना है, शो करना है कि ये किसका, पी टू पावर 10 माइनस वन का फैक्टर होगा, और साथ ही साथ पी टू पावर 11 माइनस वन का फैक्टर होगा, इस केस में भी कुछ नहीं करेंगे, इस केस में ये मेरा जी एक्स है, और यहाँ क्या है, ये पी दो दिया गया, मतलब पी वन एक्स कर लेते हैं और इसको पी टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इस केस में भी जी एक्स को जीरो करके पी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया गया है, लेट क्या मान लेंगे, लेट हम लोग एज्यूम कर लेंगे क्या, लेट जी एक्स इक्वल टू पी माइनस वन, ठीक है, पी माइनस वन यहाँ दिया, बोला नहीं गया डायरेक्ट, लेकिन हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, पी माइनस वन क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, और क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर दिए, ठीक है, जीरो के यहाँ पे पी 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 मिल जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन एफ कर लेते हैं, ठीक है, पी बोलिए या एफ बोलिए, ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या करेंगे, पी इक्वल टू वन कर लें तो कोई दिक्कत क्या, पी इधर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट केस में क्या बोला जा रहा है, मेरे पास फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है पी टू पावर 10 माइनस 1, ठीक है, पी टू पावर 10 माइनस 1 दिया गया है, हम लोग को शो करना है कि पी टू पावर पी माइनस वन इसका फैक्टर होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, एक्स के जगह, सॉरी यहाँ पे पी है तो पी के जगह मान लेते हैं, ठीक है, पी है ना यहाँ पे, तो हम लोग सब जगह क्या करेंगे, पी कर लेंगे, पी कर लेंगे, यहाँ पे भी पी कर लेंगे, यहाँ पे भी पी कर लेंगे, चलिए सेम चीज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वहां पे हम लोग पी एक्स मानते थे, यहाँ भी पी एक्स ही है, लेकिन यहाँ पे पी आ जा रहा है, इसलिए कंट्राडिक्ट ना कर जाए कि यहाँ भी पी यहाँ भी पी, तो उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिफ्रेंसिएट कर रहे हैं, ठीक है, पी बोलिए फंक्शन, पी बोलिए फंक्शन, एफ बोलिए सब सेम है, ठीक है, पी एक्स बोलिए फंक्शन और एफ एक्स बोलिए सब सेम है, तो यहाँ पे एक्स के जगह हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे भी पी मान ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक्स टू पावर 10 माइनस 1 रहता तो हम लोग क्या कर लेते, पी एक्स कर लेते, ठीक है, एक्स एक्स और पी फंक्शन, ठीक है, वही चीज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे पी के जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, वन पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 का पावर 10 माइनस 1, 1 का पावर कितना भी कीजिएगा 1 ही आएगा, और माइनस 10 जीरो, मतलब क्या
ये जो मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर जीरो आ गया, इसलिए कह सकते हैं कि पी माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी टू पावर माइनस वन। ठीक है, उसी टाइप से क्या करेंगे, सेकेंड केस में मेरे पास पी इलेवन माइनस वन दिया गया है, पी की जगह हम लोग वन पुट करके देखेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे वन पुट कर लिए, वन टू पावर इलेवन माइनस वन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो आ गया। तो हम लोग बोलेंगे सिंस सिंस इन बोथ केसेस, मतलब क्या, पी टू पावर टेन माइनस वन एंड पी टू पावर इलेवन माइनस वन, द फैक्ट रिमाइंडर इज जीरो, हेंस पी माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी टू पावर टेन माइनस वन एंड ऑल्सो ऑफ पी टू पावर इलेवन माइनस वन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। 12 क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये जो दिख रहा है आपको एक्सप्रेशन में के, पहले क्या था, सिर्फ एक्स में आ रहा था, के नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे के दिया गया है और इसका वैल्यू फाइंड करना है, और साथ ही साथ बोल दिया गया है कि एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ फैक्टर दे दिया गया, प्रूव नहीं करना है, यहाँ फैक्टर दे दिया गया। इसका मतलब क्या कि यहाँ जो भी वैल्यू आएगा पी एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके लिए जीरो आ जाएगा, मतलब क्या, सबसे पहले यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, और पी एक्स मेरे पास कितना दिया गया, पी एक्स मेरे पास जो दिया गया है, पी एक्स मेरे पास दिया गया 2x³ प्लस 9x² प्लस एक्स प्लस के दिया गया। देखिए यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है फॉर विच एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, ये मतलब ये पहले बोल दिया गया है कि ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या कि एक्स के बदले अगर हम लोग वन पुट करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आएगा तभी फैक्टर है। का मतलब क्या, लिखिएगा सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, ये पूरा टर्म लिख दीजिएगा, हेंस पी वन, एक्स के जगह वन, और ये कितना आ जाएगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर देगा और रिमाइंडर जीरो होता है तभी फैक्टर होगा, और यहाँ फैक्टर पहले से बोल दिया गया। ठीक है, पहले से बोल दिया गया, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, जीरो की कॉल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे टर्म को लिख दीजिए, लेकिन एक्स की जगह क्या करेंगे, वन पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स वन, तो यहाँ एक्स का पावर क्यूब, फिर क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस कर लीजिए, नाइन है, नाइन लिख लीजिए, एक्स, एक्स के बदले फिर से वन पुट कर दें क्या, तो एक्स का स्क्वायर, प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए, एक्स के बदले फिर से वन। ठीक है, और प्लस के है, के का वैल्यू तो हम लोग को फाइंड करना है, और यहाँ पे जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखिए वन का पावर थ्री वन ही होगा, इंटू टू, टू हो गया क्या, प्लस साइन है, प्लस कर लीजिए, वन का स्क्वायर वन ही होगा, नाइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा नाइन ही आएगा, प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो, यहाँ देखिए ऐड कीजिएगा तो मेरा 12 आ जाएगा, 12 प्लस के इक्वल टू जीरो, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको इधर कीजिए, ये प्लस में है तो इधर कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, समझ में भी आ गया होगा, और नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे, आगे भी देखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।